दोस्तों, वेलकम बैक टू YouTube चैनल खामखा व्लॉगर। तो यार, इस टाइम हम हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे। और आज हम फिर से एक फ़्लाइट जर्नी करने वाले हैं, मुंबई से लेके बैंगलोर तक इंडिगो में आज हम जर्नी करने वाले हैं। इस जर्नी के लिए मैंने दिए हैं ऑलमोस्ट 6,000 रुपये। ऑलमोस्ट 1 वीक पहले मैंने टिकट कराई थी, 6,000 की पड़ी। वैसे अगर आप और सस्ती टिकट चाहते हैं तो कोशिश करिए कि जितने जल्दी से जल्दी, जितने पहले आप टिकट कर सके उतना आपको ये टिकट सस्ती पड़ेगी। तो इंडिगो का आज हम फ्लाइट रिव्यू करने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेके बैंगलोर तक। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए सबसे ज़रूरी जानकारी है डीजी यात्रा के बारे में। तो मैं एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करने वाला हूँ बिल्कुल आसानी से डीजी यात्रा ऐप के थ्रू। और डीजी यात्रा इतना कन्वीनियंट है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा एक बार एयरपोर्ट पर अंदर चलने के बाद। फिलहाल 1:45 की हमारी फ़्लाइट है, 1 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी बोर्डिंग तक में अभी 1.5 घंटे ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स है। देखते हैं कि इस टाइम में क्या हम स्मूथली सारा चेकिंग का प्रोसेस कर लेते हैं या नहीं। हम यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और मुंबई की T1 पे अभी डीजी यात्रा ऐप की सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। तो भाई, अंदर तो हम सिक्योरिटी चेक करके अंदर आ चुके हैं गेट से। और टर्मिनल 1 पे आपको मैं बता दूं कि डीजी यात्रा की सर्विस अवेलेबल नहीं है। काफ़ी लोग इसके बारे में बोल रहे थे पर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अपना बैग मैं दे दूँ चेक इन के लिए, एक क्योंकि मुझे देखना है कि टाइम कितना लगता है चेक इन में, इसलिए मैं बैग अंदर लेके जा सकता हूँ। लेकिन एक बार देख लेते हैं चेक इन में कितना टाइम लगता है। बाकी सिक्योरिटी गेट से अंदर 10 से 15 मिनट एयरपोर्ट में अंदर एंट्री करने में लगता है। वही अगर आप टर्मिनल 1 से ट्रैवल कर रहे हैं तो याद रखिएगा डोमेस्टिक टर्मिनल पर डीजी यात्रा नहीं है। टर्मिनल 2 से अगर आप जा रहे हैं तो डीजी यात्रा उधर अवेलेबल है, तो उधर आपको इनकन्वीनियंस इतनी नहीं होगी जितनी यार टर्मिनल 1 पे हो रही है। और एक्चुअली और ज़्यादा भीड़ नहीं है, वैसे तो चेक इन के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर देखते हैं कितना टाइम हमें टोटल लगता है ना। सामान चेक इन कर देते हैं हम, उसके बाद मैं आपको सिक्योरिटी पे बताऊंगा कितना टाइम लगता है। तो यार, हमने अभी सिक्योरिटी चेक वगैरह कर लिया है, अपने अपना बैग जो है वो बैग ड्रॉप में दे दिया है। ओवरऑल जो टाइम लगा वो 1/2 आवर ही लगा। भीड़ काफ़ी रहती है टर्मिनल 1 पे, डोमेस्टिक टर्मिनल है, लेकिन फिर भी 1/2 आवर में सब कुछ हो गया। तो आप इस चीज़ का याद रखिएगा। बाकी इंडिगो के जो बैग ड्रॉप में चेक इन में उतनी भीड़ नहीं थी तो चेक इन मैंने आसानी से कर दिया। वैसे मैं बैग लेके जा सकता था अंदर, लेकिन मैंने सोचा कि देखता हूँ कितना टाइम लगता है ताकि मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकूँ। तो इंडिगो में भीड़ नहीं थी, लेकिन अकासा एयर में अगर आप जा रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा, अकासा में काफ़ी भीड़ थी। तो भाई, गेट पर हमने वेट तो कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपनी गेट की तरफ। और आज हम यात्रा करने वाले इंडिगो के A321। और इंडिगो के पास 2 एयरबस के टाइप होते हैं एयरक्राफ्ट के, एक होता है A320 और दूसरा है A321। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि A320 में ऑलमोस्ट सीट होती है 180, वहीं A321 की बात की जाए तो उसमें लगभग 230 तक सीटिंग कैपेसिटी होती है। तो एक बड़ा एयरक्राफ्ट है इंडिगो का, एयरबस A321 न्यू, जिसके साथ हम फ्लाई करने वाले। तो चलिए, बोर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी 1:15 पे और 1:45 का डिपार्चर जो टाइम था बोर्डिंग पास में 2 बजे का लिख रहा है। तो एक बार बोर्डिंग स्टार्ट होगी, एयरक्राफ्ट के अंदर जाके उसका इंटीरियर देखेंगे, लेग स्पेस वगैरह देखेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम मुंबई से लेकर बैंगलोर तक की। तो ऑलमोस्ट एट 1:30 हमारी जो बोर्डिंग वो स्टार्ट हुई है। बोर्डिंग पास वगैरह हमने आपने देखा ना, पहले ही चेक इन ले लिया था। और आज हम फ्लाई करने वाले हैं एयरबस A321 न्यू एयरक्राफ्ट के साथ। कंपैरेटिवली इसमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, देखते हैं। मेरी पहली जर्नी इंडिगो के साथ, मैं काफ़ी टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ और आपने इंडिगो के काफ़ी सारे रिव्यू ब्लॉग्स देखे हुए। अहमदाबाद से दिल्ली को मैंने ट्रैवल किया था, काफ़ी सस्ती टिकट उसको मिली थी। वो कैसे सस्ती टिकट मिली थी वो मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था। आज की जर्नी ब्लॉग कैसी होने वाली, आज की जर्नी कैसे होने वाली, वो हम देखने वाले हैं इस ब्लॉग में। एक बार एयरक्राफ्ट में बोर्ड करते हैं, फिर बाकी सारी एयरक्राफ्ट के बारे में बातें करते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं मुंबई से लेकर बैंगलोर तक। जो कि है विंडो साइड सीट। तो ऑलमोस्ट 1:30 पे बोर्डिंग होने के बाद हम एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं और आप यहाँ पे लेग स्पेस देख सकते हैं।
लाइक स्पेस तो भाई यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है मुझे इंडिगो में, ऑल्दो थोड़ा कम रहता है, पर इस एयरक्राफ्ट में A321 न्यू एक एयरक्राफ्ट में, मैं अगर लेग स्पेस की बात करूँ लेग स्पेस मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, और बाकी आप स्पेस वगैरह देख सकते हैं, तीन सीटिंग वगैरह तो भाई मुझे लेग स्पेस वगैरह इस एयरक्राफ्ट का A321 का अच्छा दिखा। इंडिगो की उड़ान संख्या है 6E5382 जो कि हमें आज बैंगलोर लेके जाने वाली। बैंगलोर में टच डाउन टाइम है, मतलब वहाँ पे पहुँचने का टाइम है 3:35 हमारा वहाँ पे टाइम है। देखते हैं कितने बजे यहाँ से हम टेक ऑफ करते हैं और कितने बजे हम टच डाउन करते हैं बैंगलोर के किया यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे हम जाएंगे। ये जो इंडिगो है टर्मिनल 1 मुंबई को टर्मिनल 1 बैंगलोर से कनेक्ट करता है। बाकी हम जर्नी में देखते हैं कि हमें मील्स वगैरह भी सर्व की जाती है या नहीं। कैप्टन बीनू जॉय एंड आवर लीड फॉर दिस एयरक्राफ्ट इज मॉइट्री असिस्टेड बाय मेगा इबा पूजा एंड बनारी बॉर्ड फ्लाइट 6E5382 service from Mumbai to Bangalore. We welcome you all on board. As of now, we are fully ready for departure. As soon as we get a pushback clearance, we'll be taking approximately 10 to 15 minutes of taxiing time towards the main runway. Taking off from the main runway, we'll be heading towards a south-southeasterly direction and we'll be covering a distance of approximately 900 kilometers in flying time of 1 hour and 5 minutes. So as of now, sit back, relax, enjoy your flight. We'll get back to you once in cruise. Namaskar, cabin crew, please on flights. Thank you very much. Some strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must only be used in flight mode. Please store devices for takeoff and landing. Smoking, vaping, and consumption of alcohol brought with you are prohibited. All lavatories. वगैरह दाल चावल वगैरह चिकन नूडल्स
इसके साथ में आपको एक बेवरेज भी मिल जाएगा, जैसे कि मसाला टी, आपको कॉफ़ी वगैरह मिल जाएगी, मसाला टी है, ब्लैक टी वगैरह है, ब्लैक कॉफ़ी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको रेडी टू ईट कोई भी एक आइटम आप लेते हैं ना तो उसके साथ आपको ये मिल जाएगी 400 INR में। और इस साइड में स्नैक्स है वर्थ 200 INR और इसमें भी आपको बेवरेज मिल जाएगा, आपको यहाँ पे बनाना चिप्स वगैरह मिल जाएगा, मतलब ना लाइट स्नैक्स है, इसके साथ में आपको बेवरेज मिल जाएगा। नमस्कार, हम बेंगलुरु के टर्मिनल 1 पर पहुंच गए हैं। धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव अराइव्ड इन बेंगलुरु एट टर्मिनल 1। थैंक यू। We are almost with a travel time of 1 hour 20 minutes, I can say total flight time रहा हमारा। हम पहुँच चुके हैं बैंगलोर में, अभी जा रहे हैं baggage claim की तरफ। टर्मिनल 1 पर हम पहुँचे, देखते हैं बैग लेने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद एयरपोर्ट से निकल के ब्लॉग को एंड करता हूँ। बाकी मील्स वगैरह तो सर हुई नहीं, पर ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस हमारे इंडिया के साथ अच्छा था। टाइम पर फ्लाइट थी, मतलब ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लेट हुई, बाकी तो सब कुछ हमारी जर्नी में अच्छा रहा। तो यार फाइनली हम अपना बैग ले चुके हैं और 3:40 पे हमारी फ़्लाइट लैंड की थी, और बैग लेने में बैग आया मेरा 4:30 पे, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लग गया बैग लेने में। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस इंडिगो के साथ अच्छा था, फ्री मील्स वगैरह नहीं थी इंडिगो में, वैसे इंडिगो में जनरली होती नहीं है, एयर इंडिया या आप विस्तारा में आपको फ्री मील्स मिलती है, क्योंकि मैं गोवा से लास्ट व्लॉग किया था तो उसमें फ्री मील्स मिली थी। बाकी आई होप किस व्लॉग में मैंने सब कुछ कवर कर दिया, फेयर वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया व्लॉग के स्टार्ट में। आई होप कि आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा इंडिगो के साथ फ्रॉम मुंबई टू बेंगलुरु, फ्लाइट नंबर 6E5382। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और ब्लॉग के साथ, अपने किसी ट्रैवल नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए।